नमस्कार दर्शकों, रितम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही सुखदायी है, लाभकारी है। विशेष तौर पे मेष राशि वालों की माँ के लिए काफी अच्छा दिन है। आज उनकी माँ को सुख मिलने का योग बनता है, आपको भी सुख मिलने का बनता है। यदि आपकी माँ से मिलना चाहते हैं या माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो अवश्य लें, यह आपके लिए बहुत ही फलदायी रहेगा। यदि आप ऐसा कार्य करना चाह रहे हैं जिसमें बहुत गहराई से बातों को समझ करके चलना है तो ज़रूर करें, क्योंकि यह सब लाभ का समय चल रहा है, इस समय पर पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा ऐसा दिखता है। आपके मन में जो भी उलझने थे, परेशानियां थे, वो भी समाप्त होने का समय दिख रहा है। इसीलिए आप जो भी विचार करें वो आत्मविश्वास के साथ विचार करें, क्योंकि समय काफ़ी हद तक बदल चुका है। आपके जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल होने का बन रहा है और काफ़ी हद तक आपके बीच में संतुलन स्थापित हो रहा है। आपके पार्टनर के साथ भी यही योग है, तो इसलिए आज के दिन प्रफुल्लित होकर के आनंदपूर्वक अपने जीवन का सदुपयोग करें। अगर कोई उपहार मिलता है, कोई गिफ्ट मिलता है, कुछ शुभ होता है तो उसको भी स्वीकार करें, क्योंकि कुछ सुख मिल रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है, वह किसी भी रूप में आ सकता है, तो उसको भी स्वीकार करेंगे तभी आप प्रॉस्पेरिटी प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरह से अगर आप आज के दिन का सदुपयोग करेंगे तो आप लाभान्वित हो पाएंगे। और भी लाभान्वित होना अगर चाहते हैं तो श्वेत वस्त्र आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और साथ साथ आपके लिए पीला वस्त्र भी बहुत शुभ रहेगा। तो आइए वृषभ राशि वालों का हाल देखें कैसा है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ शुभ संदेश देने वाला है, मतलब आपको प्रकृति कुछ शुभ समाचार देगी। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आप कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट करना हो, कुछ नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, वह भी सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। बस सावधानी ये बरतनी है कि अनावश्यक बेवजह जहां खर्च नहीं करना वहां ना करें, और जो भी इन्वेस्टमेंट करें उसके लिए ज़रूर खोजबीन कर लें कोई ऐसी बात तो नहीं इसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना, खर्च करना और नुकसान होना सब एक जैसा ही योग होता है। तो इसीलिए सावधानी बरत करके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, नया व्यवसाय, नई प्लानिंग, नई जॉब के लिए कोशिश करेंगे, उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिलेगी और आप लाभान्वित हो पाएंगे। आज के दिन जो भी बातचीत करनी है आपको, एग्रीमेंट करना है, बातचीत करनी है, प्लानिंग करनी है, बातचीत करके वह ज़रूर करिए। मुँह से बोल करके ओरल कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होएगा, तो इसीलिए आज इस बारे में अगर प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए श्वेत वस्त्र आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा और साथ साथ आपके लिए आज लाल वस्त्र भी आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। इससे आप लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को ऊर्जावान कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। तो मिथुन राशि वालों के लिए ऐसा दिखता है कि मिथुन राशि वालों को परिवार से संबंधित कुछ शुभ समाचार मिल सकता है या परिवार में कोई अच्छी बात होने वाली है, ऐसा होगा। आपके जीवन में काफ़ी हद तक एनर्जी रिफ्रेश हो चुकी है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, तरोताज़ा महसूस कर रहे हैं और पारिवारिक कुटुंब के तौर पे भी आप बेहतर महसूस कर रहे हैं और यही आपके लिए स्ट्रेंथ बनने वाली है, क्योंकि आप पारिवारिक सामाजिक व्यक्ति हैं। आपके परिवार में कोई कष्ट है या आपके समाज में कोई कष्ट है तो आपको भी कष्ट हो जाता है। तो अभी आपके परिवार में भी कोई कष्ट नहीं दिख रहा, आपके समाज में भी कोई कष्ट नहीं दिख रहा, आपके जीवन साथी पार्टनर के साथ भी कोई तकलीफ नहीं दिख रही है, इसलिए आप प्रफुल्लित होने का समय है आपका। आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी यह जान करके कि यह सब कुछ ठीक है, इससे आप खुद भी पॉजिटिव हो जाते हैं और पॉजिटिव होने के साथ साथ आप बहुत कुछ करने लायक हो जाते हैं। तो इसीलिए आप सावधानी यह बरतें कि किसी भी तौर पे कुछ भी किसी की बात सुन करके आप नेगेटिव ना हो, सब कुछ ऊर्जा अच्छी है और प्लानिंग अच्छे से करके अच्छे तरीके से कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। सावधानी यह बरतनी है कि क्रोध नहीं करना है, क्योंकि ऊर्जा इतनी ज़्यादा है कि आपको ओवर एक्साइटेड कर सकती है, जिसकी वजह से आपको क्रोध आ सकता है, क्रोध नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। श्वेत वस्त्र का धारण करेंगे और साथ साथ आप हरे वस्त्र का भी धारण करेंगे, दोनों में से कोई भी धारण करें या दोनों धारण करें आपके लिए शुभ रहेगा और आप बहुत अच्छी तरीके से ऊर्जावान होकर के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएंगे। कर्क राशि वालों का आज का दिन ऊर्जा से भरा हुआ है। आज के दिन आपका आत्मविश्वास, आपका मन सब बहुत बहुत अच्छे से ऊर्जावान है, तो इसलिए आज के दिन आप जो चाहें वो कर सकते हैं।
लेकिन आपको चाहना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा, और आप प्लानिंग कर रहे हैं अच्छे तरीके से, अपॉर्चुनिटी आपको मिल भी रही है। बस ये है कि आज भ्रमित नहीं होना है, भ्रमित होने का समय नहीं है आपके पास, इतना अच्छा है। तो इस अच्छे समय का सदुपयोग करिए और अच्छे तरीके से आगे बढ़िए। सावधानी बरतने की ये ज़रूरत है कि आज के दिन पानी कम नहीं पीना है, मतलब पानी ना पिए ऐसा नहीं हो जाए, आपको पानी पीते रहना है, पानी छूटना नहीं चाहिए। अगर ठीक तरीके से आपने पानी पिया, आपने उनको हाइड्रेटेड रखा, तो आप बहुत ऊर्जावान रहेंगे और बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी आपकी, जिससे आप पूरी तरह से लाभ ले पाएंगे और आगे बढ़ने में जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। आप ऐसी भी कार्य कर सकते हैं जिस कार्य से आपको बिना मेहनत के धन की प्राप्ति हो, मतलब कुछ ऐसा जो ऑटो मोड में आ जाता है काम, बिजनेस। जैसे एग्जांपल कि आपने ऐसी बिल्डिंग बना लिया, उसको रेंट पर उठा दिया, अब आपको करना कुछ नहीं पड़ रहा है, बस आप किराएदार होते हैं, वो पैसे देते हैं, ऑफिस रेंट पर उठा दिया और आपको पैसे मिल रहे हैं। ऐसे कुछ कार्य करने का जिसमें ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है, बिना मेहनत के धन की प्राप्ति होती है। जैसे लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया और पैसे आ रहे हैं, उस बाद में बेचा तो फायदे हो गए, इसमें कुछ व्यक्ति करता नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन सही डायरेक्शन में सही तरीके से होना चाहिए। इसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और इससे आप फायदा उठा सकते हैं, और उठाएंगे तो आपको ही लाभ होगा। इसलिए आप श्वेत वस्त्र धारण करें और साथ साथ लाल वस्त्र धारण करें, इससे मिलता जुलता कलर ही धारण करें, तो आपको बहुत लाभ होगा और बहुत अच्छे तरीके से ऊर्जा के साथ अपने कार्य को कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन खर्चे से भरा हुआ दिख रहा है। आज के दिन सिंह राशि वाले कुछ ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, या ज़्यादा खर्च हो सकता है, या नुकसान भी हो सकता है। इसलिए भावनाओं में बह करके आज खर्च नहीं करना है, बेवजह खर्च नहीं करना है, क्योंकि खर्च करना बुरी बात नहीं होती। खर्च करके ही आप जीवन में हर सुख प्राप्त करते हैं, फ्री में दान ही होता है जो मिलता है, और दान लेना अच्छी बात नहीं, कर्म करके कमा करके एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है खर्च, इसलिए अनावश्यक खर्च से बचना भी जरूरी रहेगा, जिससे आप आनंद ले पाए, अफसोस करने की नौबत ना आए, ऐसा ना हो कि आप खर्च कर जाएं और बाद में अफसोस करें। तो इसीलिए अनावश्यक खर्च से बचना है, भावनाओं में नहीं बहना है, बहुत गहराई से भावनाओं में बह गए, किसने क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया, ये सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। आत्मविश्वास को बली रखना है, अपने विल पावर को स्ट्रांग रखना है, सूर्य भगवान को नमस्कार करके ही कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज के दिन विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आज के दिन आप केसर चंदन का टीका लगा करके आगे बढ़ेंगे, आपकी ज़िंदगी में सफलता आपके कदम चूमेगी और आपका लोगों के साथ बड़ा अच्छा संपर्क बनेगा। आज के दिन ऐसा है कि लोगों के साथ तालमेल बनाने का, लोगों के साथ संपर्क बनाने का, अच्छी ट्यूनिंग करने का बेहद अच्छा समय है, इसलिए इसका फायदा उठाइए और ज़िंदगी में सफलता बिल्कुल प्राप्त करिए। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही लाभकारी है। अगर आप कहीं से पेमेंट लेना चाहते हैं या ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको पेमेंट आ जाए या लाभ मिल जाए या आपके लिए लाभकारी सौदा हो जाए, तो आपके लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आप आत्मविश्वास के साथ ऐसे कार्य करिए और लाभ दीजिए अपने आप को। और साथ साथ हिदायत ये है कि आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी तबीयत ना खराब हो जाए, आपका पेट ना खराब हो जाए, क्योंकि पेट में तकलीफ होने का भी योग बन रहा है, साथ साथ आपके बीमार होने का भी योग बन रहा है। तो बीमारी तभी हो सकती है जब आप लापरवाही करेंगे। अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो सुरक्षित हो जाएंगे। तो स्वयं का ध्यान रखें, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे आप बीमार हो सकते हैं, ऐसी परिस्थितियाँ ना उत्पन्न करें जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आप ऐसी सावधानी बरत के चलेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आज का दिन लाभकारी दिन है, इसका पूरा लाभ ले पाएंगे। इसके लिए ग्रीन कलर और सफ़ेद कलर आपके लिए बहुत ही शुभदायक होगा और लाभकारी होगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, तो आज का दिन ऐसा है जब आपको बहुत अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा। मतलब आपके कार्य क्षेत्र में, चाहे आप बिजनेस करते हैं चाहे नौकरी करते हैं, आप बहुत ही अच्छे से कार्य कर पाएंगे, बहुत ही लाभ ले पाएंगे और आगे बढ़ने में आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका दिमाग तो अच्छा काम कर ही रहा है, अपॉर्चुनिटी भी आपको अच्छी मिल रही है और साथ साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। इसीलिए कॉन्फिडेंट होकर के अपने कार्य को करें, लाभ लें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको मिला ही हुआ है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। आज के दिन अगर आप श्वेत वस्त्र पहनेंगे तो आपके लिए लाभकारी होगा, साथ साथ आसमानी कलर भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो आइए देखिए अब वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन बड़ा ही लकी है, मतलब आपका दिन बहुत लकी है, आप भाग्यशाली हैं। तो भाग्य का फायदा अगर उठाना है तो ऐसे कार्य करिए जिस कार्य करने से
आपकी मेहनत रंग लाएगी। सिर्फ भाग्य का इस्तेमाल करके अगर आप लॉटरी लेते हैं या शेयर में कुछ कमाना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो पूरा भाग्य कंज्यूम हो जाएगा और आप किसी और चीज़ में फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो भाग्य है तो आपका अच्छा, लेकिन उसका इस्तेमाल अच्छे कार्य के लिए करिए। मतलब आपके कार्य में भाग्य का इस्तेमाल हो तो ज़्यादा, जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है या किसी से बात करके कुछ कार्य करना है तो आपकी बात बन जाएगी आज। लेकिन अगर आप सिर्फ भाग्य के भरोसे अगर कोई लॉटरी ले रहे हैं ऐसा कुछ, तो पूरा भाग्य कंज्यूम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा कार्य ना करें। कार्य में अगर लगाते हैं तो वो भाग्य आपका कार्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, तो आगे भी आप फायदा ले पाएंगे और आपका एक प्लेटफॉर्म भी तैयार हो जाएगा। इसीलिए अपने कार्य में सहयोग लें भाग्य का और आगे बढ़ने की कोशिश करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने का भी बहुत शुभ दिन है। इस दिन आपको बहुत आसानी से आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपको मंदिर जाना है, अगर आपको पूजा पाठ करना है, या अपने बड़े बुजुर्गों से पैर छू करके आशीर्वाद लेना है, या अपने बॉस के साथ मिलकर के उससे भी ब्लेसिंग्स लेनी है, उनसे भी आशीर्वाद मांगना है, उनको बताइए कि मैंने ये कार्य कर दिया, ऐसे कर दिया, आपकी कोई सजेशन हो तो दीजिए। अगर आप विनम्रता से बोलेंगे तो आपके बॉस को अच्छा लगेगा कि आपने अच्छा किया, और जब आप ये बातें बताएंगे तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा आपके ऊपर, और आपको आगे बढ़ने के लिए जो गाइडेंस देंगे वो गाइडेंस ही आपका लक की तरह से काम करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तो इस तरह से आज आप फायदा उठाने की कोशिश करिए और अच्छी तरीके से आगे बढ़ने के लिए अपने रास्ता पक्का करिए। इसके लिए आपको सहयोग दे सकता है आज के दिन लाल रंग, बहुत सहयोग देगा, और साथ साथ आपके लिए पीला रंग भी बहुत सहयोग देगा। ये दोनों रंग आपके लिए आपके कार्य में लाभकारी रहेगा। तो आइए धनु राशि का देखें कैसा जाएगा आज का दिन। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन इस तरह से लाभकारी है कि अचानक आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, अचानक आपके आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है जो अच्छा होगा। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे कार्य में लगिए जो आपको लाभ ही देगा, नुकसान न दे, रिस्क नहीं लेना आज की डेट में। अगर आपने रिस्क लिया, अचानक दुर्घटना भी हो सकती है, मतलब शुभ भी हो सकता है अचानक, अशुभ भी हो सकता है। तो अशुभ ना हो इस बात के लिए विशेष सावधानी बरतनी है, किसी भी हालत में गड़बड़ ना हो जाए और अच्छा ही हो जाए, ऐसा कार्य करते रहें जिससे कि जो अनसर्टेनिटी है उस अच्छे तरीके से अच्छा ही कर पाए। तो इसलिए आप लाभ ले सकते हैं, और साथ साथ आप बहुत गहराई से किसी बात को सोचने की क्षमता भी आज के दिन बन रही है आपकी। तो आप गहराई से किसी बात पर प्लानिंग करना चाहते हो, आज का दिन बेस्ट है, आप प्लानिंग करें अच्छे तरीके से। आज के दिन केसर मिला हुआ चंदन अगर माथे पर लगाएंगे तो आपका मन बहुत स्थिर रहेगा, बहुत खुश रहेगा, और प्रफुल्लित होकर के अपने कार्य को करने लगेंगे और करते जाएंगे, और लाभ भी मिलता जाएगा। आपकी ऊर्जा काफ़ी बढ़ रही है और आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। तो अपनी नई ऊर्जा के साथ, नए ऑप्शन के साथ आगे बढ़ते जाइए और सफल करिए अपने आप को। आज के दिन पीला रंग आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, और सूर्य भगवान से प्रार्थना करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, इससे आप सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं मकर राशि वालों का कैसा रहेगा। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है पार्टनर्स और जीवन साथी के मामले। आज का दिन आपका मान सम्मान बढ़ने का भी है, फेम भी आने का भी है। तो आप अगर कुछ ऐसा कार्य करने वाले हैं जिससे आपका नाम हो सकता है, फेम हो सकता है, तो कर डालिए। आज आपको फेम बड़ी आसानी से मिल जाएगा, मतलब सभी लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, सभी लोग आपको काउंट करेंगे कि यार इसने बड़ा अच्छा काम किया, सब लोग आपको इज्जत मान सम्मान भी देंगे, इस तरीके का शुभ योग है। तो आज के दिन चूकिए मत, आज के दिन का लाभ लीजिए। आज के दिन नीला वस्त्र पहनना और सफ़ेद वस्त्र पहनना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ऐसे कलर का जीवन में अगर योग बनाएंगे तो बहुत ही शुभ हो जाएगा और दिन का बहुत लाभ ले पाएंगे। भाई दर्शकों, अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन विशेष तौर पे ठंड से बचने का है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको ठंड कष्ट दे सकता है। तो यदि अगर आज आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मौसम ठंड का शुरू हो चुका है, ऐसे में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, बाकी लोगों को कुछ हो ना हो आपको हो जाएगा कष्ट, ऐसा बन रहा है। तो इसलिए सावधान रहने के लिए आपको सूचित करते हैं कि आप ऐसा ना करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। आज के दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपनी बुद्धि का, विवेक का इस्तेमाल खूब अच्छे तरीके से करके अपनी प्लानिंग को ठीक तरीके से आगे बढ़ाएं। आपका दिन बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ऊर्जावान दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप लाभ ले सकते हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। तो इस तरह से अपने जीवन को बहुत बेहतर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब देखें मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मीन राशि वालों के लिए जो आज का दिन दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपको, बहुत मन बहुत अच्छा रहेगा आज आपका, बहुत प्रेम से भरा होगा, आपके संतान से भी आपको सुख मिल सकता है यदि आपको संतान है, यदि संतान नहीं है तो आपको प्रेम प्राप्त होगा, आप
जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए पढ़ाई में बहुत मन लगेगा, बहुत अच्छा सा जीवन में शुभ होने का दिख रहा है। तो इसलिए आज के दिन का लाभ उठाएं, आज के दिन जो भी करना चाहते हैं वो कर लें, जो भी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि आपकी बुद्धि का पावर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और साथ साथ ये भी दिखता है कि यदि मन में कोई नेगेटिव विचार आ रहा है तो उस विचार को न आने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ग्रहों के संयोग की वजह से कुछ मन में अपने स्वयं के प्रति कॉम्प्लेक्स आने का योग बन जाता है, इस वजह से आपको कई बार दिक्कत आती है। तो इसलिए ऐसे विचार न आने दें, इसके लिए अपने आप को पावर देने के लिए, भ्रमित नहीं होने के लिए माँ सरस्वती की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। माँ सरस्वती का पूजन, उनके मंत्र का जाप, श्वेत चंदन का टीका लगा करके करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा और आप ऐसे भ्रम में न पड़ करके अपने जीवन में स्वयं की ऊर्जा का सदुपयोग करके आगे बढ़ पाएंगे। तो आइए अब अपने विशेष बात पे आते हैं, जो आपको हमेशा बताते हैं वो ये है कि विशेष टिप आज का क्या रहेगा। आज एक ऐसा टिप देना चाहते हैं जिस टिप से आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ सकता है, और वो भी बहुत आसानी से, जो आपको मौका मिलता रहता है लेकिन आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ख़ासतौर पे हम भारतीय ऐसे ही हैं, जो किसी का एम्बुलेंस अगर, किसी पेशेंट का एम्बुलेंस अगर हमारे पीछे जा रहा है या दाएं बाएं जा रहा है तो हम परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारा अपना नहीं होता है। तो ये बातें अपने अंदर सुधार लीजिए। आप अगर पुण्य कमाना चाहते हैं, किसी की जीवन रक्षा करना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर नहीं भी हैं, अगर आप कोई बहुत बड़े संत महात्मा नहीं हैं, तो भी आप कर सकते हैं, वो भी सड़क पे अपने पीछे आ रहे एम्बुलेंस को रास्ता देकर के। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन से संघर्ष कर रहा है तो उसको जीने के लिए, उसको जीवन बचाने के लिए अपनी गाड़ी को दाएं या बाएं करके उसको इशारा करके बता दें कि आगे जाओ, औरों को भी ऐसा समझाएं। अगर आप सब व्यक्ति ऐसा कर लेते हैं तो एम्बुलेंस जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँच जाएगा और बहुतों के जीवन की रक्षा हो जाएगी। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, एम्बुलेंस को जरूर रास्ता देता हूँ, अगर और लोग अवरोध करते हैं तो उनको भी गाड़ी रोक करके उनको गाइड करके जाने देता हूँ, और बड़ा ही अच्छा महसूस करता हूँ। आत्मन बड़ा सुकून मिलता है कि हमने किसी के जीवन रक्षा करने में सहयोग किया, क्या पता मेरी वजह से उसका जीवन बच जाए, हो सकता है उसके मरने में एक मिनट था, उसके पहले ही हॉस्पिटल पहुँच गया और उसको फटाफट ट्रीटमेंट मिल गया और वो बच गया। इसलिए इस बात पर विचार करें, बहुत अच्छे से सोचें, आप अगर कल को जा रहे हो एम्बुलेंस में और आपके साथ से उखड़ी हो या आपको हार्ट अटैक हो रखा हो और लोग रास्ते से नहीं हट रहे हों और आपके सड़क की मृत्यु हो जाती है, तो आपको कैसा महसूस होगा मरते समय, कितना बुरा लगेगा और कितनी नेगेटिविटी आपकी आएगी लोगों के प्रति। यही अगर हर व्यक्ति रास्ता फटाफट देता हो, एम्बुलेंस पहुँच जाते हैं, तो आपके सभी लोगों के प्रति अच्छी भावना आएगी और आपका आशीर्वाद, आपकी पावर, जो पॉजिटिव पावर है, वो लोगों को मिलेगी और इस तरह से सभी लोगों को लाभ मिलेगा। तो अपने आप पर रख कर सोचेंगे तो लगेगा कि बहुत अच्छा कार्य है, हमें करना चाहिए आज से ही एक अच्छा इंसान, अच्छा मनुष्य बनने की कोशिश करने के लिए यह आदत अपने जीवन में डाल लीजिए। तो इससे आपके जीवन में इंस्टेंट आपको पुण्य मिलेगा। आपको हर चीज़ इंस्टेंट चाहती है, हर व्यक्ति को इंस्टेंट चाहिए होता है, तो इंस्टेंट पुण्य कमाने का मैंने तरीका बता दिया है, कैसे पुण्य कमा लें और लाभान्वित हो जाए, अपने जीवन को और बेहतर कर पाए। तो उम्मीद करते हैं आप बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते रहेंगे और इस तरह से प्रीतम चैनल को देखते रहेंगे, और हमेशा देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर सूचनाएं मिलती रहेंगी कि अब अपलोड हो गया है प्रोग्राम और आप उसको फटाफट देख पाएंगे और लाभान्वित हो पाएंगे। इस तरह से आपको शुभकामनाएं देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, मैं विदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार दर्शकों, रिदम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है।